बट कभी कभी आदमी उस ढाबे को भी मिस करता है जिसमें वो चारपाइयाँ लगी होती थी, पट्टों पे रख के बढ़िया सी रोटी और दाल खाया करते थे। वो इस पार्ट ऑफ द कंट्री में तो अब नहीं रहे। पिछली वीडियो में यहाँ से आपसे विदा ली थी और अब हम जा रहे हैं, अब थोड़ी देर में कुछ किलोमीटर बचे हैं, अब हम हिट कर जाएंगे दिल्ली जयपुर हाईवे, जो कि एक बहुत ही जिसपे काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है और 24 घंटे चलता रहता है। सो वी आर अबाउट टू रीच देयर। अब शुरू हो जाएगा ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक। चलो कोई नहीं, आ गए जी जयपुर हाईवे पे। सो अभी तक हमने क्या किया, चंडीगढ़ से चले दिल्ली को एक बड़ा डिटूर लेके बाईपास किया और जयपुर हाईवे पे आ गए। ये डिटूर छोटा डिटूर भी, छोटे डिटूर्स भी है, बट ये वाली सड़क अच्छी है। जयपुर जाने का सबसे पेनफुल पार्ट यही है, दिस हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली टू जयपुर। ये एक मदर आर्टरी है जो वेस्ट इंडिया की तरफ जो भी ट्रैफिक दिल्ली से ओरिजिनेट होता है या नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी हाईवे पे जाता है। बड़े बड़े कई टायरों वाले ट्रक सारे रोड को ब्लॉक करके चलते हैं और ये 24 घंटे चलता रहता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। सो दिस बिकम्स द मोस्ट पेनफुल पार्ट। तो ऑन द वे टू जयपुर नाउ, और ये रास्ते में एक चेन है, ये हाईवे किंग बेसिकली, इसके रेस्टोरेंट्स पूरे रास्ते में बने हुए हैं, अच्छे खासे हैं और रीजनेबल भी हैं। तो चलिए कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे भीड़ लगी रहती है गाड़ियों की और ये 24 घंटे चलता रहता है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके चारों तरफ ये ब्रांडेड शोरूम्स हैं, बीच में ये एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट है। मैं थोड़ा और आगे चल के दिखाता हूँ, ये रहा एक ये रेस्टोरेंट, एयर कंडीशन्ड है ये, अंदर सारे वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ है और काफ़ी पॉपुलर है इस रूट पे ये। बट कभी कभी आदमी उस ढाबे को भी मिस करता है जिसमें वो चारपाइयाँ लगी होती थी, पट्टों पे रख के बढ़िया सी रोटी और दाल खाया करते थे। वो इस पार्ट ऑफ द कंट्री में तो अब नहीं रहे, इस तरह इस पार्ट में तो अब इसी तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, फुल्ली एयर कंडीशन एंड दैट मॉडर्न टाइप के हैं, मोटेल्स टाइप के हैं, तो अब जो है उसी से गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि खाना तो है। तो चलिए खा के देखते हैं, खा के देखते क्या है, खाते हैं। ये है वो रेस्टोरेंट जो मैं बता रहा था, काफ़ी कूल सा है ये, अच्छा खासा, और भीड़ हमेशा लगी रहती है यहाँ पर। चलिए हम भी कुछ खाते पीते हैं। कैसी है? अच्छा। और ये है एक राजस्थानी सुपारी और माउथ फ्रेशनर्स की दुकान, और यहाँ पे कम से कम 150-200 तरह की
ये गोलियां हैं, कैंडीज हैं। टोटल कितनी वैरायटी है बॉस यहाँ? 200-250 है। ये राजस्थान में ही हो सकता है। ये देखिए आप कितने सारे और ये सारे माउथ फ्रेशनर्स हैं। तो रिफ्रेशमेंट डन, अब चलते हैं आगे। 150-150 किलोमीटर बचा है एंड बेसिकली इट वॉज अ गुड जॉइंट। ठीक था ना? बढ़िया थी लस्सी। बढ़िया था। ब्रांडेड स्टोर्स, चिल्ड्रन पार्क, क्रिकेट खेलने की एक जगह, बढ़िया सा रेस्टोरेंट, ट्रैम्पोलिन, ये बंजी जंपिंग, ये पूरा पैकेज है यहाँ पे। Keep left to stay on National Highway 48. अभी पहुंच गए हम जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे, तो 10-12 किलोमीटर में आज की जर्नी खत्म हो जाएगी। कितना टाइम लग गया? 9 बजे शुरू किया था, तकरीबन 9 घंटे का ही हुआ। 500 किलोमीटर नॉट बैड। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जयपुर सिटी का स्काईलाइन है। ये कोई बहुत डेंस सिटी नहीं है, बाकी अंदर आपको दिखाई दूंगा। नाउ लीविंग द नेशनल हाईवे टू एंटर जयपुर सिटी। ये सीधा मुंबई, अजमेर और जयपुर के कई सारे एंट्रीज हैं, बट जहां हमें जाना है उसका कट ये बाई तरफ है। मैं कैसे जानता हूं? तो ये एंटर कर गए हम जयपुर, और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, ये किसी भी शहर जैसा है। सारे शहर अब एक्चुअली एक जैसे ही हैं, बट ये यहाँ तो खैर भीड़ भाड़ है, बट बीच में काफी खुला हुआ है ये शहर। दिन ढलने को आ गया है, अब हमारा कमरा भी यहाँ से थोड़ी दूर ही रह गया है, तो 500 किलोमीटर की जर्नी आराम आराम से चल के हमने 9 घंटे में कंप्लीट कर ली है। अब आज का डेस्टिनेशन तो आ गया है, कल से इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे, बट इस वीडियो को अब इस यहाँ पे स्टॉप करने का वक्त आ गया है, तो इसको यहीं पे रोकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।